लुधियाना के मुख डाकघर विखे रेल विभाग और डाक विभाग वालों सांझे तौर पर रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रैस कारगो सर्विस की शुरुआत की गई। इस सर्विस राही सारे ही वर्गों के लोग अपने छोटे तो छोटे समान तो लैके वड्डे तो वड्डे समान तक भारत के किसी भी थान से सस्ते और घट समय में पहुँचा सकेंगे, जिसके लिए अब लुधियाना उद्योगपतियों नाल बैठक करके उन्होंने इस सर्विस बारे जाणू करवाया गया। उद्योगपतियों वालों इस सर्विस की प्रशंसा की गई है। उत्थे ही कुछ ट्रांसपोर्ट जुड़े कारोबारी सरकार के सफर में बहुत महंगा दस रहे हैं। इस सर्विस नूं पहला पायलट प्रोजैक्ट के तहत सूरत तो छपरा तक चलाया गया सी, जिसकी कामयाबी तो बाद इस नूं लुधियाना विखे शुरुआत की गई है। अज रेलवे वालों तो पोस्टल डिपार्टमेंट वालों एक जॉइंट जड़ा फ्रेट हैंडलिंग का सिस्टम बनाया गया, ये संबंध में मीटिंग की गई है। सीनियर ऑफिसर दिल्ली तो आए हैं, यदा इंडस्ट्री को बड़ा बेनीफिट होएगा क्योंकि साडा लुधियाने जड़ा वो हज़ारा टन माल रोज़ ट्रांसपोर्ट होंगे, वो वड्डा कारगो भी है, ट्रक भी है, कंटेनर भी है और छोटे पार्सल भी, और ये जड़ा इंडस्ट्री नू एक कंपीटिटिव प्राइस से और एक अच्छी सर्विस मिलेगी जिदि कि प्रॉपर ट्रैकिंग है। और जी रेलवे या पोस्टल डिपार्टमेंट है ये हमेशा इंडस्ट्रियली ट्रस्ट वर्दी रहा भी ये बड़ा ट्रांसपेरेंट काम करते हैं। सो मैं उम्मीद है इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा है। सर ये इंडस्ट्री को नुकसान की है तो फायदा की है? जिदा हूँ लेबर है, लेबर डबल नहीं पाऊगी, जिदा हूँ तुहाडी कंपनी तो माल चक्कणगे एक प्राइवेट ट्रक वाला जाऊगा और रेलवे तक जड्डूगा? नहीं, वो इन्होंने अपने आप चुकना है, अपने आप उस तक लेके जाना है और अपने आप डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है। किराए भाड़े का भी फर्क पड़ेगा? हाँ, ये किराया जो मटीरियल सू अर्जेंट कई बार बाईर भेजना है वो असी ट्रेन से भेज के भी अपने कस्टमर नूं टाइमली माल पहुंचा सकते। सर इहदे विच कई लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे जिदा ट्रक? नहीं, उहदे विच मैनूं नहीं लगता बेरोजगारी वाला कोई काम नहीं, कारगो जाना ही है। दिल्ली तो लेके बंबे तक गुवाहाटी तक ड्राइवर लोग गड्डियां कनेक्टर नहीं, वो एक्चुअली इतना ज्यादा कारगो है और इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, इहदे विच तां दिन हर साल ईयर ऑन ईयर जिहड़ी ग्रोथ है कारगो च 15 to 20% है, इहदी कोई बेरोजगार होने वाला कोई मैनूं संभावना नजर नहीं आती। समान सेफ रहेगा जांदे? समान सेफ रहेगा, उन्होंने ट्रैकिंग दित्ता है, प्रॉपर उन्होंने मैकेनिज्म बनाया, प्रॉपर कैबिनेट्स बनाई हैं और इन्होंने पूरी वर्किंग करके, मैं डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देखी है, पूरी वर्किंग करके इन्होंने इन्हें लॉन्च किया। थैंक यू। आज हम जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट है जो रेलवेज और पोस्टल डिपार्टमेंट का एक जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में हम एक इनिशियल मीटिंग करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस सर्विस में ये बेनिफिट्स है कि जैसे दोनों हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे उनकी जो भी लिमिटेशंस थी, जैसे हमारे जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसकी ये लिमिटेशन है कि हम 35 किलो तक ही पार्सल बुक करते हैं, और रेलवेज डिपार्टमेंट की ये लिमिटेशन है कि वो पिकअप नहीं कर सकते और डिलीवरी नहीं कर सकते। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स की जो भी लिमिटेशंस हैं, ये प्रोडक्ट उन दोनों लिमिटेशंस को दूर करता है और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको जोड़ के हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट। मैम, जैसे जो उद्योगपति हैं जो बाय रोड अपने सामान भेजते थे, क्या उनको इस सर्विस से लाभ होगा? हाँ, निश्चित ही बहुत, उन्हीं के लिए ये सर्विस बनाई गई है, उन्हीं के लिए सर्विस ये डिज़ाइन की गई है, और अभी ये इनिशियल स्टेजेस पे, इसमें अभी और भी हम इम्प्रूवमेंट जो भी हमें यहाँ पे फीडबैक मिला है CII से या जो भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन सबसे मिला है, तो उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करके सर्विस को और भी बेहतर करेंगे। निश्चय उन्हीं के लिए बनी है ये सर्विस। अभी कहाँ चल रही है सर्विस? अभी तो इनिशियल स्टेजेस हैं, अभी सूरत से शुरू हुई है, तो अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे है। तो जैसे सूरत से वाराणसी है शायद, सूरत से छपरा, छपरा सूरत से छपरा, तो ये कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे है, अभी शुरू हुई है। डेट बताएंगे, डेट मुझे डेट का आइडिया नहीं, पिछले साल मार्च में स्टार्ट हुई थी, मार्च से अभी। हाँ जी, जो आज आपने लॉन्च किया जो लुधियाना से, हाँ जी, ये लुधियाना से डिमांड के ऊपर है, जैसे हमने इसीलिए कस्टमर्स के साथ ये मीटिंग की है, जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स डिमांड करेंगे कि हमें ये डेस्टिनेशंस तक इतनी फ्रीक्वेंसी पे इतने वेट हमें भेजना है, तो उनके हिसाब से, क्योंकि ट्रेन्स तो आपको पता ही है इतना वाइड नेटवर्क है, हर जगह ट्रेन जा रही है, तो जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स की डिमांड होगी वैसे वैसे हम वो लॉन्च करते रहेंगे, शुरू करते रहेंगे। तो फिलहाल कितनी ट्रेनें शुरू कर रहे हैं? फिलहाल पहले एक ही शुरू होगी? हाँ जी, शुरू में ऐसे फिलहाल जैसे हमने कस्टमर से कहा कि जैसे जैसे वो बताएंगे कि कितनी कैपेसिटी उनको चाहिए, तो वैसे वैसे शुरू होते रहेंगे, तो ये डिमांड के ऊपर है। तो मैडम, कई बार सोचा जाता है भी सामान गलत होता है,
कोई गलत सामान होता है वो उसकी जांच कैसे होगी? उसमें प्रॉपर स्कैनिंग्स वगैरह होंगी जो भी रेलवेज की होती हैं, ये सारे टेस्ट एंड चेक्स तो पूरे बैलेंस करे जाएंगे, ये तो सारा इन प्लेस होगा सारा सिस्टम। तो अगर कोई सामान की जिम्मेवारी होती है, सामान महंगा होता है इंडस्ट्री अगर गुम हो जाता है उसकी कोई पॉलिसी है? हाँ जी, यहाँ पे हम इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी है कि जो भी आपका सामान है उस पर, और बहुत ही 0.03% रेट है इंश्योरेंस का, विच इज़ वेरी वेरी नॉमिनल, तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी हम इस प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं। कितना का लाभ मिलेगा? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, तभी हम यहाँ कह रहे थे कि बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, इसलिए हमने लुधियाना में ही की है पंजाब में पहली मीटिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोप यहीं पर है, आपको पता ही है होजरी का, साइकिल्स का, टायर्स का, तो सब चीज़ के लिए बहुत लाभ मिलेगा लोगों को। बुरा प्रभाव ये नहीं पड़ेगा जिसमें ट्रक काले ने जहाँ हो रहे थे रोजगार पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, इसमें ऐसे कोई नहीं, इतना ज़्यादा काम है कि इसमें कोई कंपटीशन तो है ही नहीं, सबके पास यहाँ पे लुधियाना में इतना काम है कि सबके पास रोजगार मिल सकता है, इसमें कोई कंपटीशन वाली वो बात नहीं, हमें तो बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी देनी है, बाद में कस्टमर को देखना है कि उसको कौन सा चैनल अपनाना है, सारी फैसिलिटीज तो होनी चाहिए अवेलेबल, फिर कस्टमर को डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। पहले सस्ता होगा या महंगा होगा? अभी रेट्स डिसाइड कर रहे हैं रेट्स में, तो कंपैरेटिव ही होंगे रेट्स, इकोनॉमिकल होंगे तो।